हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। मेरा आज का टॉपिक है डैंड्रफ, यानी सर में बूसी हो जाना। इसकी वजह आमतौर पर जनरल वीकनेस यानी आम कमज़ोरी और गंदगी, खून की कमी और दायमी नज़ला ज़ुकाम यानी हमेशा रहने वाली सर्दी, जो तीनों मौसम में हमेशा शुरू रहती है, और नज़ला ज़ुकाम दिमाग के अंदर हमेशा के लिए रहता है, सर दर्द करता है। और उसके अलावा इसमें ये होता है कि सर के अंदर जो चिकनाई पैदा करने वाले ग्लैंड यानी गुदूद होते हैं, तो चिकनाई पैदा करते हैं, लेकिन वो चिकनाई अंदर जम जाती है, वो रतूबत जम जाती है, जिसकी वजह से पपड़ी बन जाती है। और इसकी मेन वजह यह है कि सर के अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो हम आप हजरात के सामने एक ऐसा नुस्खा लेके आए हैं, एक ऐसा फार्मूलेशन लेके आए हैं, जिसको आप घर पे बना सकते हो और उससे फ़ायदा उठा सकते हो और अपने आप को बीमारी के शिकंजे से छुड़ा सकते हो। तो नाज़रीन, आइए देखिए वो फार्मूलेशन क्या है। उसमें खाली दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों का हासिल करना बहुत आसान है। उसमें एक है रीठा, जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो एक फल होता है और उसके अंदर उसका एक बीज निकलता है। तो ऊपर वाला जो गूदा है वो लेना है और उसका पाउडर करना है। ये लेना है 50 ग्राम। और दही को सूखा के इसका पाउडर करना है और उसका पाउडर लेना है 50 ग्राम। दोनों को मिक्स करके गर्म पानी में घोल के और सर के अंदर उसका लेप करना है, और लेप को आधे घंटे एक घंटे तक रखना है, फिर सर को धो देना है। ऐसा आप 5 से 10 बार करेंगे तो हमेशा के लिए आपके सर के अंदर जो भूसी है, डैंड्रफ है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये नेचुरली ख़त्म होगा, वक्ती नहीं होगा। क्योंकि ये काम क्या करता है, ये काम इस तरीके से करता है कि जो रतूबत जम गई है उसको उखाड़ देता है और रगु को वापस ज़िंदा करता है, और खून को खींच के सर के अंदर ले आता है, ऊपर वाली परत तक लाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन कंप्लीट होता है और ये बीमारी हमें बेखौबन से ख़त्म हो जाती है और फिर दोबारा भूसी नहीं होती है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे और उस पर अमल करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएँगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और उसको बना के आज़माइएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही बस, और फिर मिलेंगे हम बाद में एक नए टॉपिक के साथ।